हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे हम लोग अटामिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जून 2011 से सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड uh, जून 2014 का के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले इस वीडियो में सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्राम एनोलोजान इफेक्ट अ स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ट्रांस ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पी टू एन स्टेट एस स्टेट स्प्लिट्स इंटू थ्री जिमान लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर पी से एस स्टेट में जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है वो थ्री कॉम्पोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है या थ्री जिमान लाइन हमें मिल रही है एट इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो यदि आपका नॉर्मल जमान इफेक्ट होगा तो आपको थ्री लाइन्स वहाँ पर मिलने वाली है लेकिन इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ अभी कम कर दी है तो यहाँ पर फिर एनामोलस जमान इफेक्ट जो है वो शो करेगा तो उसकी वजह से हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है वो कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर एक फार्मूला रहता है इसके लिए फॉर एनामोलस जमान इफेक्ट द नंबर ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स प्रॉपर भी सोल्यूशन बता दूंगी और फार्मूला से भी बता दूंगी और एंड इट्स इक्वल्स टू फोर जे वन प्लस टू जे टू प्लस वन सो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल जाती है एनामोलस जमान इफेक्ट में जो ट्रांजिशन हो रहा है जे वैल्यूज के बीच में उनके लिए सो so, यहाँ पर अभी हमें देखना होगा कि ये जो हम बात करें पी से एस स्टेट की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पी के लिए चेक करना पड़ेगा पी टू एस स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एल होगा वन और एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर इसलिए एस होगा हाफ यहाँ पे एल हो गया जीरो और एस हो गया हाफ तो जे की क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी यहां से आपको जे मिल जाएगा सॉरी एल जीरो एंड एस हाफ ठीक है यहां से जे वैल्यूज आपको मिल जाएगी वन प्लस वन बाई टू टू वन माइनस वन बाई टू विथ ए यूनिट डिफरेंस तो यहां से जे आपको मिल गया वन बाई टू एंड थ्री बाई टू सिमिलरली यहाँ से आपको जे वैल्यूज जो मिलेंगी दैट विल बी ट एंड दैट इज वन बाई टू तो जे वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही है तो ये जो जे कॉम्पोनेंट होते हैं एनामोलस डिमान इफेक्ट में इसकी एम जे लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है है ना तो so, यहाँ से एम जे वैल्यूज क्या क्या होंगी एक तो हाफ और एक माइनस हाफ और यहाँ से एम जे वैल्यूज थ्री बाई टू के करिस्पोंडिंग होगी थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू एन माइनस थ्री बाई टू और वन बाई टू के करिस्पोंडिंग होंगी वन बाई टू एन माइनस वन बाई टू तो ये जो स्प्लिटिंग हो जाती है एमजे लेवल्स में फिर सिलेक्शन रूल्स लगाते हैं और सिलेक्शन रूल्स मतलब याद रखेगा टू जे प्लस वन लेवल्स में एमजे लेवल्स आपको मिलते हैं यहाँ पर एक जे के करिस्पॉन्डिंग और फिर जो स्प्लिटिंग होगी उसके बीच में ट्रांजिशन होंगे तो ये स्प्लिटिंग इस टाइप से होगी जे इक्वल्स टू थ्री बाई टू की स्प्लिटिंग यहाँ पर चार लेवल्स में हो जाएगी सिमिलरली जे इक्वल्स टू वन बाई टू की स्प्लिटिंग यहाँ पर दो लेवल्स में हो जाएगी फिर लास्ट में जे जो हाफ है आपकी ग्राउंड स्टेट के लिए उसकी स्प्लिटिंग भी टू लेवल्स में हो जाएगी तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल्स लगाते हैं हम लोग डेल्टा एम जे ज़ीरो प्लस माइनस वन उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ट्रांजिशंस मिलते हैं सो so, यहाँ पर जो फार्मूला है हम लोग लगा सकते हैं तो पहला ट्रांजिशन जो होगा जे इक्वल्स टू थ्री बाई टू से जो लोअर लेवल है जे इक्वल्स टू हाफ ये वाला इसमें होगा और एक ट्रांजिशन होगा जे इक्वल्स टू वन बाई टू से जे इक्वल्स टू वन बाई टू में अकॉर्डिंग टू सेलेक्शन रूल्स तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैक्टर लाइन्स आपको मिल जाएगी अब देखिए जो फॉर्मूला है फोर इंटू जे वन प्लस टू इंटू जे टू प्लस वन तो यहाँ पर याद रखना है कि फोर ज्यादा वैल्यू है जिसके साथ आपकी जे की कम वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कम वैल्यू कौन सी वन बाई टू है जे की कम वैल्यू फोर के साथ और टू के साथ जे की ज्यादा वाली वैल्यू थ्री बाई टू प्लस वन तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये यह टू यहाँ पे थ्री सिक्स लाइन्स आपको मिल रही है Uh, इसके करस्पॉन्डिंग जो कि स्टेट है आपका यहाँ से आप स्टेट्स पे लिख सकते हैं इट्स टू पी थ्री बाई टू 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 एस वन बाई टू और सिमिलरली यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना पॉसिबल दैट इज फॉर टू पी थ्री बाई टू 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 एस वन बाई टू हमेशा इसे हम पहले भी कर चुके हैं इसे हम डी टू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डी टू लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको सिक्स ट्रांजेक्शन मिलते हैं जो मैं पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ और ये टू पी वन बाई टू से टू एस हाफ में ट्रांजिशन होता है इसको हम डी वन लाइन बोलते हैं डी वन लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको फोर ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं तो so, एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी फोर इंटू वन बाई टू प्लस टू इंटू वन बाई टू प्लस वन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू प्लस थ्री प्लस फोर तो टोटल यहाँ पर टेन ट्रांजेक्शन्स होंगे सिक्स प्लस फोर जो कि स्पैक्टर लाइन्स आपको यहाँ पर को रिप्रेजेंट करेंगे सो देर विल बी टेन ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल सो द नंबर ऑफ स्पैक्टर लाइन्स विल बी टेन सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई होप क्लियर होगा बाकी इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं बाकी सिलेक्शन रूल आपको डेल्टा एम जे जीरो प्लस माइनस वन यूज करना है उससे जो ट्रांजीक्शन पॉसिबल होंगे वो भी यहाँ पर टेन ही कॉम्पोनेंट्स आपको टेन ट्रांजीशंस जो हैं टेन स्पेक्ट्रोल लाइन्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थ्री बाई टू से एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा वन बाई टू में क्योंकि सारी वैल्यूज रहेंगी यहाँ पर थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू यहाँ पर प्लस का वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू ये ध्यान रखना इससे इसमें ट्रांजिशन मत कर देना है दोनों एक्साइटेड स्टेट है यहाँ से इसमें ट्रांजिशन होंगे और इससे भी इसमें ट्रांजिशन होंगे तो यहाँ से आपको फोर लाइन्स मिलती है क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन पॉसिबल होते हैं तो ये आपको डी वन लाइन के करस्पॉन्डिंग मिलती है और यहाँ से सिक्स ट्रांजेक्शन पॉसिबल होते हैं तो डी टू लाइन्स के करस्पॉन्डिंग तो टोटल टेन ट्रांजेक्शन डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रखिए याद रखिए कि D1 वन लाइन और D2 टू लाइन्स के करिस्पॉन्ड कितने ट्रांजेक्शन होते हैं ताकि डायरेक्ट आप एग्जाम में टिक कर सके सो so, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था लास्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट यूज अ लेजर इमिटिंग लाइट ऑफ टू एडजस्टिड फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू वेयर न्यू वन इज लेस देन न्यू टू द मिनिमम पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग बीन्स फॉर विच द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स डिसअपियर्स का मतलब हो गया आपको डार्क डिफरेंस वहाँ पर मिलनी चाहिए ठीक है तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा सो मिनिमम पाथ जो हमारा होगा दैट शुड बी दैट शुड बी लैमदा बाई टू हम बोल सकते हैं या लेंथ हमारे पास है तो उसका हाफ होना चाहिए जिससे कि हमारा पैटर्न डिसअपेयर हो जाए क्योंकि लामदा बाई टू का पाथ डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच में तभी पॉसिबल है कि इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपेयर हो जाए आपको कुछ नहीं मिले है ना इट्स ओनली पॉसिबल जब इनके बीच में uh, जो है लामदा बाई टू का पाथ डिफरेंस हो पूरी वेवलेंथ लेंथ होगी और ये देखो लामडा बाई टू का पाथ डिफरेंस यहाँ पर इनके बीच में होगा तो पॉसिबल होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो यदि हम कॉरेंस लेंथ की फॉर्म में बात करें सो so, डेल्टा एक्स मिनिमम जो होगा दैट शुड बी कॉरेन्स लेंथ बाई टू यहाँ पर ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखेगा इट्स फॉर पैटर्न टू डिसअपीयर और डार्क फ्रिंज पैटर्न टू डिसर या फिर डार्क फ्रिंजिस के लिए तो यहाँ से हम एल सी को लिख सकते हैं टॉ सी इंटू सी क्योंकि कॉरेंस लेंथ आपका टाइम इंटू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और टॉ सी को आप लिख सकते हैं वन अपॉन डेल्टा न्यू से फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यहाँ पर न्यू टू माइनस न्यू वन हो जाएगा क्योंकि न्यू टू आपको ग्रेटर गिवन है तो पॉजिटिव टाइम के लिए न्यू टू माइनस न्यू वन हो जाएगा सो डेल्टा एक्स मिनिमम कितना हो गया यहाँ से टॉ सी सी बाई टू तो इसको वैल्यू को पुट किया जा सकता है यहाँ पे सी अपॉन टू न्यू टू माइनस न्यू वन सो ये आपका आंसर आ गया बाकी आप डायरेक्टली देखें कि जो आ, डार्क फ्रिंजेस होती है हमारे पास तो सेंट्रल आ, जो आपकी पहली फ्रिंज है उसके डार्क होने के लिए ज़रूरी है कि लामडा बाई टू का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो और लामडा को आप सी बाई न्यू लिख सकते हैं तो c बाई टू न्यू के इक्वल होगा तो यहाँ पर डेल्टा न्यू ले लीजिए और टू ले लीजिए सो आंसर आ जाएगा c बाई टू न्यू टू माइनस न्यू वन तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इफ़ यू नो द फॉर द डार्क फ्रिंज इट्स लैमडा बाई टू यदि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज पूछा जा पूछा जाता तो लैमडा होता तो so, लैमडा को हम लिख देते हैं सी बाई डेल्टा न्यू यानी सी बाई न्यू टू माइनस न्यू वन तो ब्राइट फ्रिंज के लिए लैमडा का पार्ट डिफरेंस होता और डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पर लैमडा बाई टू का पार्ट डिफरेंस रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी इसको किया जा सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम

तो हंट्स रूल आपको पता होना चाहिए अच्छे से सो so, क्रोमियम की थ्री डी सिक्स कॉन्फिगरेशन से हम लोग जा रहे हैं क्रोमियम प्लस टू दैट इज़ हैविंग थ्री डी फोर एज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो ग्राउंड स्टेट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैथड से सो so, यहाँ पर आपके पास क्रोमियम के लिए डी स्टेट हो गई सिमिलरली यहाँ पर क्रोमियम प्लस टू के लिए डी स्टेट हो गई सो so, यहाँ पर आपको वन टू थ्री फाइव बॉक्सेस बनाने होंगे अब इसमें हम फिलिंग कर देते हैं फोर तो यहां से देखिए एम एल नंबर यहां से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि एल वैल्यूज के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो डी के लिए प्लस टू प्लस वन सीरो माइनस वन माइनस टू सेम यहाँ पे प्लस टू प्लस वन सीरो माइनस वन माइनस टू तो सिक्स आपको इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स यहाँ पर वन टू थ्री फोर तो ये जो केस है ये मोर देन हाफ फिल्ड का केस है तो हंड रूल हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर प्रॉपरली मोर देन हाफ फिल्ड और ये जो केस है ये लेस देन हाफ फिल्ड का केस है लेस देन हाफ फिल्ड लेस देन का मतलब है मतलब टोटल कैपेसिटी इसकी फाइफ की है ना हाफ फिल करने के लिए तो यहाँ पर हमें सो मोर देन हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड में हमें देखना है तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एल वैल्यू कैसे निकालनी है देन सिग्मा एम हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए टू रहेगा प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन माइनस टू तो एल की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है टू और एस जो होगा दैट विल बी सिग्मा एम तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एम एस वैल्यू उसको प्लस हाफ एंड माइनस हाफ तो फोर इन टू वन हमारे पास स्पिन बचेंगी टू तो यहाँ से जो एस की वैल्यू मिल गई है आपको वो मिल गई है टू तो जे वैल्यूज़ हम, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट विल बी एल प्लस एस टू एल माइनस एस विथ यूनिट डिफरेंस तो टू और टू फोर होगा टू माइनस टू जीरो होगा तो जीरो और फोर लिख लें बीच के सारे टर्म्स लिख दें वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर ये यह आपको जे वैल्यूज़ मिल रही हैं जीरो वन टू थ्री फोर अब ये मोर देन हाफ फिल्ड का गेस एक बार पहले हम यहाँ पर भी एल निकाल लेते हैं सो so हियर एल विल बी अभी देखिए यहाँ पे टू प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन तो यहाँ से आपको एल फिर से टू ही मिला है और एस जो होगा दैट विल बी सिग्मा एम एस एंड इट इज़ अगेन फोर इंटू वन बाई टू एस फिर से आपको टू मिल गया यहाँ पर भी तो जे की सेम वैल्यूज पॉसिबल होंगी ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक तो मोर देन हाफ फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट टर्म रहती है ना आपकी याद रखिएगा मोर देन हाफ फिल्ड में आपका जो मैक्सिमम जे होगा दैट विल लाइज लोवेस्ट मैक्सिमम जे लोवेस्ट लाई करेगा और इस केस में आपकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी उसके लिए क्योंकि ये लेस देन हाफ फिल्ड का केस है तो मिनिमम जे जो होगा वो लोवेस्ट लाई करेगा ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर आप यदि ग्राउंड स्टेट टर्म सो मैक्सिमम जे लोवेस्ट होगा तो यह मैक्सिमम वैल्यू है फोर की सो हम यहां पर यदि टर्म लिखना चाहें तो टू एस प्लस वन हो जाएगा आपके पास दैट विल बी मल्टीप्लिस और एल यहां पर टू है तो ये डी टर्म को रिप्रेजेंट करेगा सो so, लोवेस्ट जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी हमारे पास दैट विल बी फाइव डी फोर और यहाँ पर भी सेम रहेगी फाइव डी बस जीरो आ जाएगा क्योंकि आपको मिनिमम जे लोवेस्ट लाइक करेगा आपका सो लेस देन हाफ फिल्ड में मिनिमम जे लोवेस्ट लाइक करता है तो आपकी जे की वैल्यू देखिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो फोर से जीरो हो गया है दैट मीन्स डिक्रीजेस बाई फोर तो ऑप्शन देख सकते हैं हम यहाँ पर डिक्रीजेस बाई फोर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर वन मोर थिंग यहाँ पर सारा हंट्स रूल को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हंट्स रूल क्या कहता है ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको देखना होता है मल्टीप्लिसिटी सो एस जो हाइएस्ट होगा वो लोवेस्ट लाए करेगा सिमिलरली जो आपका एल हाइएस्ट होगा वो लोवेस्ट लाए करेगा अब जे में दो केसेस आ जाते हैं हमारे पास जे के लिए आपका सबसे पहले मोर देन हाफ फिल्ड याद रखिए मोर देन हाफ फिल्ड इसमें हाईएस्ट ही लोवेस्ट लाई करेगा ये तीनों साथ में याद रखिए बस अब लेस देन में गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस रहेगा ये लेस देन हाफ फील्ड में आपका लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट लाई करेगा लेस है ऐसे याद रखना एल से लेस लोवेस्ट से एल तो लेस देन हाफ फील्ड में लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट लाई करेगा ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जाम में तो एल से एल को रिलेट करिए लेस देन हाफ फील्ड है तो लोवेस्ट ही लोवेस्ट लाई करेगा और बाकी सब में हाईएस्ट हमेशा लोवेस्ट लाइ करते हैं तो ये आपका हांड रूल भी रिवाइज हो गया तो ये जून 2014 के सारे क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर 2014 के क्वेश्चन करेंगे तो पूरी प्ले लिस्ट देखें जहाँ पर सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है जून 2011 से लेकर और लास्ट जो एग्जाम हुआ है वहाँ तक हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन सो डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल इफ़ यू एम नॉट सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वीडियो के वो अपलोड होते ही मिलते जाएँ एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स इज़ विल और अन अकेडमी पर यदि आप लाइव क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुर्भी भी लाइव यूज़ कर सकते हैं एस यू आर बी एच आई एल आई वीई फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन थैंक यू एवरी वन